हमने किया अपनी मेहनत से और बड़ा अच्छा लग रहा है मां बन के, आप सब मामा बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता दूंगी किस हॉस्पिटल में बच्चा हो रहा है, 50 Doesn't look like baby. ये खबर सुनकर फैन सभी लोग बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहोगे एक्चुअली? गोल्ड? हाँ जी, फैन से ही कहना चाहूंगी कि इसमें मीडिया का कोई हाथ नहीं है, हमारा ही हाथ है, हमने किया अपनी मेहनत से और बड़ा अच्छा लग रहा है माँ बन के, आप सब मामा बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता दूंगी किस हॉस्पिटल में बच्चा हो रहा है, 50,000 आप जो भी चैनल है सबकी तरफ से वहाँ पे डिलीवरी का खर्चा आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बताना था लेकिन आप खुद ही छाप छाप के हमारा थोड़ा सस्पेंस वो कर दिया है ना। तो मैं बता दूंगी अपनी फ्रेंड को कौन से हॉस्पिटल में 50,000 पर प्रेस वाले जो भी हैं उनसे ले। बिल्कुल। बहुत सारे एडवाइजेज आ रहे हैं, कॉमेडी ये करो ये ना करो, तो चीज आप भी कुछ चीजें पूछ रहे हैं। लेकिन मैं अपनी मर्जी का कर रही हूँ, मैं एक शो कर रही हूँ नरबाज जो अप्रैल तक चलेगा, मैं मर्जी से कर रही हूँ। ये सब ना होता कि अरे ऐसे मत कर, ऐसे मत बैठिए, ये सब यहाँ है।
यहाँ है सब, आप यहाँ करो, ओह माय गॉड दुख रहा है, अगर यहाँ नहीं दुख रहा तो कहीं नहीं दुख रहा, मैं बहुत फिट हूँ। बिल्कुल। लड़की कोई प्रेफरेंस कुछ है क्या? लड़की क्यों, क्यों जैसी मैं थी आप जैसा नहीं, जो एक लड़की को रोक के इंटरव्यू ले रहा है। सो फर्स्टली आई थिंक विकास ने एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया है, आई थिंक इट्स ग्रेट टू अक्नॉलेज यू नो द कॉमेडी जॉनर ऑल्सो, तो टू कम अप विद समथिंग सो स्पेशल फॉर, जैसे मैंने हमेशा उन्हें भी कहा है कि रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो उसी फैक्ट को एक्नॉलेज करते हुए जो उन्होंने किया है, आई थिंक इट्स कमेंडेबल एंड ऑल द बेस्ट टू हिम एंड you know so happy and excited to be here and he's always come up with great shows so I think ye bhi ek super hit hi hoga so yeah looking forward ki hamesha se aisa maana jata hai ki comedy karna is bahut hi tough hota hai so aapke liye kaise bilkul bahut mushkil hai kyunki kuch cheez jo mujhe hasaye shayad aapko na hasaye and that's it's very subjective so I feel timing sahi hona aur you know it's an irony but dumb play karna सबसे मुश्किल काम है सो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट टू प्ले डम सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट सो या आई थिंक आई एम हैप्पी दैट यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ दिस एंड या लाइक आई सेड लुकिंग फॉरवर्ड टू थैंक यू सो जस्ट थॉट कि यू नो नॉर्मली नाउ दिस इज बहुत एक लंबा सा ट्रेल है लाइक अ वेरी सिंड्रेला फील बट या आई लव द कलर और ऑनेस्टली ज़्यादा वक्त नहीं मिला सोचने के लिए कि क्या पहनना है बट या आई थिंक दिस इज़ मी मोर माई स्टाइल सिंपल एंड एलिगेंट जी अंजलि जी की तरफ से पता नहीं सुनैना को बहुत मज़ा आता है क्रिसमस में और मैं कोशिश करती हूँ हर साल चर्च जाऊँ 24th रात को और लास्ट ईयर से ये शुरू किया है कि हमेशा हम सांता ढूंढते हैं लेकिन मैं किसी की सांता बनने की कोशिश करती हूँ तो छोटे छोटे गिफ्ट्स गाड़ी में रखती हूँ जो मैं ऑन द वे लोगों को देती हूँ द लेस फॉर्चुनेट सो आई थिंक सांता को ढूंढिए मत खुद सांता बनिए किसी के लिए उससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता थैंक यू फील्स गुड टू बी थैंक यू सो मच शादी है सब कुछ
बहुत ही खूबसूरत, वी आर रियली एक्साइटेड। यस, एंड खुशी की बात यह है कि जैसे ही मैं कोलकाता से गई जयपुर अपने रिसेप्शन के लिए और दो ही दिन में मुझे कॉल आता है कि यू वॉन एन अवार्ड, सो आई एम लाइक पति देव यू आर सो लकी फॉर मी। जैसे ही पास रहो, हम लोग 8 साल से इतना साथ में लिए कि अभी थोड़ा रहने वाला पति देव तो मेरे ज़िंदगी में आए ही नहीं, एज अ हस्बैंड ऑफ कोर्स, एज अ पार्टनर वो रहे काफ़ी सालों से मेरे साथ, और अवार्ड मिल गया मुझे एज द लोकप्रिय सदस्य, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और क्या चाह सकती हूँ मैं, ऑन स्क्रीन मेरे कैरेक्टर को दलजीत बग्गा को प्यार मिला है, ऑफ स्क्रीन माई हस्बैंड विद मी टू रिसीव द अवार्ड अलॉन्ग साइड मी, सो आई एम वेरी हैप्पी। I am extremely proud of her. She is so gorgeous. Look at her. So beautiful. I am a proud husband. I think हम दोनों में से तो शायद ज़्यादा शांत हैं। मैं हस्ती ज़्यादा हूँ, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, बोलते भी कम है, हर चीज़ बहुत नाप तोड़ के करते हैं, बट दैट्स हिम, सो आई थिंक आई टॉक मोर बाई वर्चू ऑफ दैट, आई लाफ मोर एंड प्रॉब्ली या एक थोड़ी सी मैं झल्ली टाइप्स नॉर्मल लाइफ में भी हूँ, सो प्रॉब्ली आई लैंड अप डूइंग कॉमिक सिचुएशंस मोर। जी एज एन एक्टर मुझे लगता है कॉमेडी एक ऐसा एक जॉनर है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, इट्स वेरी इजी टू मेक पीपल क्राई ड्रामा, बट यू नो हंसाना बहुत ही मुश्किल होता है, और स्पेशली जब आप हंसाने की कोशिश करते हो और आपके आगे जो लोग हैं वो हंसते नहीं हैं, सो दैट आई थिंक इज़ अ वेरी बिग ब्लंडर। सो मुझे हमेशा से लगता है कि कॉमेडी इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉनर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो गोल्ड अवार्ड्स ने इस जॉनर को पहचाना, एंड दे वॉन्ट टू फेलिसिटेट एंड यू नो अवार्ड एंड रिवॉर्ड पीपल इन दिस जॉनर, एज आई सेड इट्स और क्या अच्छी बात हो सकती है कि यू नो इन अ टेंशन वाले माहौल में, एनी विच वेज लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, यू गेट टू मेक पीपल लाफ एंड यू आर बिंग अवार्डेड फॉर द सेम, सो आई एम सुपर एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इवेंट। एक तो कोविड के बाद बहुत टाइम बाद मैं किसी इवेंट में आ रही हूँ, शादी के बाद दिस इज आवर फर्स्ट अपीयरेंस टुगेदर, सो ऑल इन ऑल एंड एज आई सेड आई एम विनिंग एन अवार्ड टुनाइट, सो आई एम सुपर हैप्पी। अब तुम बोलो यार, तुम ही बोलो, तुम मैं तो बोल रही हूँ, तुम अभी बोलो कुछ तो बोलो कुछ बोलो। ये शायद आई थिंक तुम्हें गिफ्ट मिला था शादी में, राइट? दिस माई वन ऑफ माई रिलेटिव्स गिफ्टेड मी दिस साड़ी एंड आई हैड टू वेयर इट क्योंकि शादी के बाद इंडियन में ही आना था एंड और कोइंसिडेंस ही था शायद हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कलर कोऑर्डिनेट, बट कलर कोऑर्डिनेटेड हो गया एंड आई हैड टू कम, जस्ट वी आर जस्ट 2 weeks मैरिड, सो ऑब्वियसली आई हैड टू वेयर माई मंगलसूत्र, आई हैड टू वेयर माई शाखा पाला, दिस इज़ अ बैंगल विच ही इज़ गिवन मी एज अ वेडिंग गिफ्ट, सो ऑल ऑफ दैट हैड टू बी देयर। सो लाइक आई सेड, शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मुझे अवार्ड मिल रहा है, सो दुल्हन के रूप में तो मुझे आना ही था। थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्रिसमस एंड न्यू ईयर एज द न्यूली वेड, बट आई एम बैक टू शूट, सो जस्ट 2 दिन की छुट्टी हमने ली है फॉर न्यू ईयर्स, बस साथ ही रहेंगे क्योंकि शादी करके तुरंत शूट में मैंने रिज्यूम कर लिया है, सो साथ रहना है, वी आर जस्ट गोना स्पेंड सम टाइम टुगेदर एंड आवर फर्स्ट न्यू ईयर्स टुगेदर, सो वी गोना एंजॉय आवर टुगेदरनेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज एज आई सेड यू नो लॉकडाउन के बाद अब यू नो टू सी पीपल गैदर्ड अराउंड यू एंड योर लव्ड वंस एंड ऐसे किसी अवार्ड शो में जाना, इट्स लाइक अ लग्जरी नाउ एंड इट फील्स सो गुड क्योंकि यू नो यू गेट टू ड्रेस सो वेल एंड यू नो यू गेट टू मीट योर अदर फ्रेंड्स, सो इट्स वंडरफुल एंड यू नो वी गेट टू मीट ऑल ऑफ यू एज वेल, तो मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ, अंदर जाके सबसे मिलूँगी, अपने दोस्तों से मिलूँगी। Yeah, this time it's more special क्योंकि मम्मा भी मेरे साथ है, normally you know she is not here with me but this time she is also here, so yeah. see very honestly आज तक मैंने fiction, non-fiction, drama ये सब कुछ किया है, comedy एक ऐसा genre है जो exactly मैंने explore fully नहीं किया, लेकिन you know देर है दुरुस्त है, ज़्यादा नहीं कहूँगी लेकिन मे बी वेरी सून यू नो ऑल माई फैंस कैन सी मी इन समथिंग लाइक कॉमेडी वेरी सून विद अ लाइक यू नो गिफ्ट और एज अ सरप्राइज आई कैन से फॉर न्यू ईयर, सो स्टे ट्यून्ड आई वुड से। थैंक यू, आई लव माई आउटफिट, इट्स अ वाइट, आई एम वेयरिंग इंडियन टुडे, सो यू नो
कभी कभी मन करता है, आज मॉम भी साथी, मैंने सोचा वाई नॉट वी शुड वेयर इंडियन समथिंग, तो मैंने इंडियन लहंगा पहना है. इट्स वाइट, इट्स माई फेवरेट कलर, सो आई लव्ड इट, एंड इट हैज़ ऑल द फ्रिल्स एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट, एंड बहुत अच्छा वर्क वाला बीड्स वाला ब्लाउज भी है, एंड आई हैव ट्राइड दिस टाइम समथिंग डिफरेंट विद माई हेयर, आई लव वाइट रोजेस, सो आई थॉट वाई नॉट एक्सप्लोर दैट. एक्चुअली हमारी प्लानिंग है, आई एम मिसिंग माई पापा एंड माई यंगर सिस्टर, दे आर इन माई होम टाउन हिमाचल, बट हम दोनों मिलकर यहाँ पर खूब मस्ती करेंगे, यू नो क्रिसमस है, न्यू ईयर आने वाला है, सो हालांकि न्यू ईयर पर आई हैव माई होल फैमिली हियर विद मी, सो यू नो आई हैव माई प्लान्स, लेकिन सबसे यही कहूँगी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, अ वेरी हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस, बट प्लीज़ स्टे सेफ, क्योंकि थर्ड वेव आ रही है कोरोना की, ओमिक्रॉन आ रहा है, सो यू नो यू हैव टू बी मोर मोर सेफ नाउ एंड यू हैव टू टेक ऑल द मेजर्स इज वेल, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, थैंक यू. हाँ ओके, एक्चुअली जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था, ये सेकेंड अवार्ड फंक्शन है जो इस मंथ पे मैंने अटेंड किया, मैं इतनी खुश हूँ ना, बिकॉज दो सालों से हमने लोगों के चेहरे, उनकी आवाज़ें नहीं सुनी हैं, सो दिस होल फीलिंग ऑफ बीइंग अमंगस्ट पीपल फील्स सो गुड, आई एम रियली रियली एक्साइटेड. सो क्रिसमस सीजन है एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं दिसंबर में एक ना एक बार एक रेड और एक ग्रीन आउटफिट जरूर पहन लूँ, बिकॉज यू नो दैट्स माई वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, इट मेक्स मी फील रियली नाइस एंड फेस्टिव. सो ऑफकोर्स मेरी फ्रेंड है नीतू जिसका ये ड्रेस है एंड शी स्टाइल्ड मी फॉर दिस नाइट, सो हियर आई एम. ओके, कॉमेडी करना आई बिलीव सबसे टफ जॉनर है, लोग बोलते हैं कि यू नो एक्शन करना जैसे कि मैं कर रही थी अभी अपने शो में, या यू नो इमोशनल होना ये टफ होता है, बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज एक्शन सीखा जा सकता है, इमोशन आप यू नो डेवलप कर सकते हो, बट कॉमेडी इज़ अबाउट टाइमिंग, आपके पास वो टैलेंट या तो है या नहीं है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि विकास ने यू नो ये शुरू किया है जहाँ पर कॉमेडियंस को एक्नॉलेज किया जा रहा है, इट वॉज मच नीडेड एंड इट्स आई एम ग्लैड दैट ही इज डूइंग दिस. थैंक यू, थैंक यू. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं नॉमिनेटेड भी हूँ फॉर द डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर, सो होपफुली आई विल, आई एम एक्साइटेड टू गेट इट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड. आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट अवार्ड आफ्टर द होल पैंडेमिक, सो ये सब देख के, इतने सारे लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है. उम्मीद ही तो कुछ नहीं, आई थिंक लोगों को मिलना, आई थिंक इतने लोगों को मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. पहला सोशल, मेरा सोशलाइजिंग आज इवेंट है, तो वो उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द विन, आई होप आई विन, बट लेट्स सी. थैंक यू. नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें.